हेलो एवरीवन, आज उज्ज्वला किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये देखिए, उज्ज्वला किचन में आज बनने वाली है नेनुए चने की सब्जी। तो ये बहुत ही स्पाइसी तरीके से कैसे बनाएं बिना पानी की, ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले नेनुआ लेंगे और प्याज को अच्छे से कट कर लेंगे। इसे एक बार हम छील लेंगे, इसके ऊपर का जो छिलका है ना, इसे हमें पूरा निकाल लेना है। छिलका निकालने के बाद हमारी सब्जी बनाने में बिल्कुल भी आसानी हो जाती है और पानी हमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम नेनुआ को पूरा अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद ही आगे का प्रोसेस हमें तैयार करना है। तो सारे नेनुआ को जब हम छील लेंगे तो उसे गोल के शेप में कट करेंगे। बारीक सा हमें बिल्कुल भी नहीं कट करना है, क्योंकि सब्जी हमें यम्मी सी बनानी है। तो इसे गोल गोल सा शेप इस तरीके से कट कर लेना है और बिना पानी का बहुत ही चटपटा सा बनाना है ये नाश्ता। तो पूरे नेनुआ को इस तरीके से आप कट करें, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। छीलने के बाद एक बार आप इसे ज़रूर धुलें, ताकि ऊपर के जो छिलके निकालते हैं ना, थोड़ा सा दरदरा सा लगने लगता है, तो ये धुलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हमने तीन प्याज लिए। प्याज बड़ी छोटी चाहे आप जितना ही ले सकते हैं, बट मैंने 3-4 प्याज ली थी। उसके बाद प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, बस इस तरीके से कट करना है, क्योंकि हमें बिना पानी वाला बनाना है तो हमें 2-3-4 प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने चना भी भिगा के रखा था। उसके बाद कढ़ाई में ऐड किया सरसों का तेल, उसमें हरी मिर्च, बाकी कोई चीज़ें इसमें तड़का नहीं देनी है। बस 4 चीज़ों से हमारी ये सब्जी बहुत ही स्पाइसी तरीके से बन के रेडी होगी। तो ये देखिए, हमारे जब मिर्च हरे वाले ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद थोड़े से हमें इसे ब्राउन करना है। तो प्याज हमें हमारी थोड़ी सी जब ब्राउन होगी, इस तरीके से चलाते हुए ही ब्राउन करना है। तो प्याज का प्रोसेस हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, ना ही ज़्यादा मतलब इसे गलाना है बिल्कुल भी। जब हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हमें नेनुआ जो हमने छिल के काट के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना। और जब इसे ऐड करें तो इसी के साथ हमें चने भी ऐड कर देने हैं। चने ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हमें जो इसमें मसाले यूज करने हैं, ज़्यादा मसाले हमें यूज भी नहीं करने हैं, बट थोड़े से मसाले हमें यूज करने हैं। तो देखिए, ये हम अच्छे से जब मिक्स कर लिए उसके बाद हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो मसाले ऐड करने के लिए मैंने मिक्स मसाला लिया है गरम वाला, और 1 चम्मच मैं राजेश मसाला ले रही हूँ, और चुटकी भर हल्दी ऐड करूँगी। तो उसके बाद इसे अच्छे से मेल्ट कर दूँगी। तो मेल्ट करने के बाद इसे हमें 5 मिनट के लिए ढक देना है। ढकने के बाद नेनुआ जो होता है ना, पूरा पानी छोड़ता है। तो पानी छोड़ने के बाद ये बहुत ही गल के बहुत ही स्पाइसी सा बनता है। तो एक बार इसे ढकने के बाद हमें 5 मिनट बाद ही इसे खोलना है। तो देखिए, ये हमारे गल के बिल्कुल भी किस तरीके से हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लग रहा है कि मैंने पानी ऐड किया है बिल्कुल भी। नेनुआ बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। तो एक बार हमें और इसे ढकना है। ढकने का प्रोसेस दूसरी बार जब हम ढकेंगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल भी बन के रेडी हो जाएगी। तो अब देखिए, ये हमारी सब्जी बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई है। तो इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो आपको प्लेट में मैं निकाल के दिखाती हूँ कि इसका कलर और इसके मतलब कितना यमी आया था। नमक अपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड करके ही निकालें, बट ये देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, तो इसमें मैं निकालूँगी। तो इसका कलर बहुत ही यमी और स्पाइसी आया था। तो इस तरीके से आप भी बनाएं मेरी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगती हो दोस्तों, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि हर तरह की नई नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और सबसे पहले नए नोटिफिकेशन मेरा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। यकीन मानिए, इसे देखते ही किचन में दौड़ेंगे बनाने के लिए। तो इस वीडियो को जरूर ट्राई करें। अगली वीडियो में कुछ नया लेके फिर मिलती हूँ। बाय बाय।